हाय गाइस, वेलकम टू आना किचन टूर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और आपको पसंद भी आएगी। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो पहले आपको बता दूँ मैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये बैंगन लिए हैं। बैंगन का भरता आज हम बनाएंगे, तो बैंगन और टमाटर का भरता बनाएंगे। इस ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है, तो इसके लिए मैंने फिर सबसे पहले मैंने बैंगन लिए हैं। बैंगन 1 किलो मैंने लिए हैं, तो अगर आप चाहें तो आप आधा किलो का भी बना सकते हो। तो मैंने 1 किलो बैंगन लिए हैं, तो उसके साथ ही मैंने ये प्याज लिए हैं। 2 बड़े प्याज हैं, इनको काट लिया है। और 2 टमाटर जो हैं ये मैंने लिए हैं, 4 बड़े टमाटर लेकर इनको मैंने काट लिया है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 बड़े चम्मच है, और धनिया है, फ्रेश धनिया मैंने लिया है, 4 अदद हरी मिर्ची है, मोटी वाली हरी मिर्ची, बड़ी वाली, उसको काट लिया है। उसके बाद लाल मिर्ची पाउडर है 2 चाय के चम्मच है, हल्दी है 1 चाय का चम्मच है, और नमक है 1.5 चाय का चम्मच। इसके बाद ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा मैंने लिया है, ये 1 चाय का चम्मच है। तो इस रेसिपी को बनाने में सबसे पहले जो हमने काम करना है वो हमने बैंगन लेकर बैंगन को लेना है। और यहाँ पे आप देखें स्टीम आग जो है वो मैंने जला ली है, चूल्हा ऑन कर लिया है मैंने पहले से। तो इतनी सी आग पर जो है हम ना इतनी स्टीम पर हम इन बैंगन को जो है वो भून लेंगे। बैंगन को हमने भूनना है, एक एक करके सारे बैंगन इसी तरह हम भूनेंगे। तो एक एक करके मैंने बैंगन को अच्छी तरह से आग पर जो है ऐसे भून लिया इसको अच्छे से। ये देख लें आप, मैंने सब जो है इसी तरह से भून लिए हैं। ये देख लें हमारे सारे बैंगन जो है वो अच्छी तरह से मैंने भून लिया। अब यहाँ पे आप देखें इसका जो है स्किन, इसकी जो है यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, चेक करवाती हूँ, स्किन इसकी जो है वो उतर रही है, ठीक है। ऊपर वाला छिलका जो है इसका जब उतरने लग जाए तो फिर हमने इनको उतार लेना है, ठीक है। फिर हम एक बॉल में पानी लेंगे, एक बॉल में मैंने पानी ले लिया। अब हम आधा बॉल तकरीबन पानी मैंने लिया है। इसमें हम ये बैंगन जो हमने आग पर इनको सेक लिया था, इन बैंगन को हम इसके पानी के अंदर जो है वो डाल देंगे, ताकि सारे बैंगन मैंने पानी में डाल लिए हैं, अभी भी ये गर्म है। तो थोड़ी देर इसको पानी के अंदर डिप करके रखेंगे, और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो तो इसका छिलका जो है ऐसे स्किन इसकी जो है वैसे उतारते जाएंगे। तो अभी मैं इसकी सबकी इनको छील लूंगी, ऊपर से स्किन इनकी उतार लूंगी। तो बैंगन मैंने छील लिए हैं, ये ठंडे हो गए थे, पर इसको पानी में मैंने रखा था आग पर सेकने के बाद इसकी स्किन उतार ली है मैंने, छिलका अच्छे से उतार लिया है। तो अभी ये जो इसका ऊपर वाली स्किन है आप छुरी की मदद से ऐसे इसको काट सकते हो। आप इसको काट कर इसके ऊपर वाली साइड्स जो है, ऊपर वाला हिस्सा जो है ये भी आप निकाल लो। इसी तरह सबका हम इनका छिलका निकाल लेंगे, फिर इनको कूट लेंगे। ज़्यादा इसको तो इनकी स्किन हमने निकाल ली है ये, अब इसका सबका 1 बाय 1 निकाल देंगे। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इसका, ये वाला पार्ट जो है ये भी हम निकाल देंगे अच्छी तरह से छील के छुरी की मदद से। फिर हम इसको पीस लेंगे, हमने इसको ज़्यादा पीसना नहीं है, हमने इसको हाथ की मदद से जो है सिलबट्टे पे, बल्कि आप चाहो तो किसी ऐसी चीज़ की मदद से इसको अच्छे से पीस सकते, किसी भी चीज़ की मदद से इसको पीस सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे पीसा इसको। इसको अच्छी तरह से इसकी स्किन उतारने के बाद अब ये अच्छी तरह से तसल्ली कर लें कि इसके अंदर कोई बैंगन ख़राब ना हो। आप खरीदने से पहले अच्छी तरह चेक कर सकते हैं, मैंने भी चेक करके लिए हैं बैंगन, तो कि कोई बैंगन ख़राब तो नहीं है।
उबाल इसको छिलका उतारने के बाद भी मैंने जो है वो चेक करना है। फिर इनको मैंने हाथ की मदद से पीसना है। सारे बैंगन खोल कर चेक कर लें, आप देख लें कि कोई अंदर से कोई बैंगन खराब तो नहीं है। अब इनको पीस लेंगे। मैं हाथ की मदद से इसको यूं थोड़ा थोड़ा जो है ना वो हल्का हल्का हल्के हाथों से जो है वो पीस लूंगी, थोड़ा थोड़ा सा। ज्यादा इसको बारीक नहीं करना आपने। मैंने इसको ये मसाला पीसने वाले से मैंने अच्छे से जो है इसको मोटा मोटा सा कूट लिया है, ज्यादा नहीं इसको मैंने जो है वो करना है इसका पीस, तो मोटा मोटा सा इसको कूट लिया है। अब इसके बाद जो है अब मैंने एक देस्का लिया है इसको बनाने के लिए, तैयार करने के लिए। बैंगन मैंने पीस लिए थे। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें किसी भी ऑयल में इसको बना सकते हो। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसमें जीरा डाल रही हूँ, एक चाय का चम्मच मैंने जीरा लिया था, साबुत जीरा, वो इसमें डालेंगे। अब इसमें प्याज डालूंगी, दो बड़ी प्याज लेकर काट लिया था। अब प्याज को हल्का ब्राउन करना है हमने, हल्का प्याज को मैंने हल्का ब्राउन कर लिया है, ज्यादा इसको जलाना नहीं है। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, दो बड़े चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। चार बड़े टमाटर लेकर इनका छिलका उतार कर मैंने इसको काट लिया था। चार बड़े टमाटर मैंने लिए थे, वो डाले इसमें। अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं। इसके बाद आती है बारी मसालों की। तो लाल मिर्ची मैंने ली थी, दो छोटे चाय का चम्मच मिर्ची पाउडर जाएगा इसके अंदर। उसके बाद 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया था, नमक जाएगा इसके अंदर 1.5 चम्मच के करीब नमक लिया। नमक तो आप हसबे जरूरत डाल सकते हो। इसके बाद हल्दी ली थी, एक चाय का चम्मच हल्दी डालूंगी इसमें। अब इस मसाले को अच्छी तरह से हमने भून लेना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, फ्राई हो जाएं अच्छी तरह। दो से तीन मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला अच्छा सा मेरा फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इसमें हमने जो बैंगन जो है वो पीस कर रखे हुए थे, अब हम इसके अंदर बैंगन डालेंगे। ये बहुत ही मजे का भरता बनकर तैयार है। जिनको कूट कर हमने रखा था वो हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं। अब मसाले में इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बहुत ही मजे की रेसिपी है ये। भरता हमारा जो है वो तकरीबन तैयार हो गया है। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया था, आप देख लें ये अच्छा सा फ्राई हो गया है। बहुत मजे की खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। टमाटर भी बिल्कुल जो है वो इसमें गल चुके हैं। अब ये भरता हमारा तकरीबन तैयार है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट मैंने कर लिया है इसको, और टमाटर के स्लाइसेस के साथ मैंने इसको थोड़ा गार्निश किया है। कटी हुई हरी मिर्चें और धनिया भी इसके ऊपर डाल दिया है। बहुत ही मज़े का भरता हमारा तैयार हुआ है, और उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी पसंद आई है कि नहीं। तो अपनी दुआओं में बहुत याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।